मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टीना। मुझे भी तुमसे प्यार है। मर्मेड और वैम्पायर के सारे रूल्स के साथ ना रहने की किसे परवाह है। हाँ बिल्कुल, ये तो तुमने ठीक बात करी है, लेकिन एक मिनट। तुम क्या कर रहे हो? तो टीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम पागल हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। वैम्पायर जेज, क्या तुम मरमेड टीना को अपनी पत्नी एक्सेप्ट करते हो? हाँ। मरमेड टीना, क्या तुम वैम्पायर जेज को अपना पति एक्सेप्ट करती हो? बेशक वो राजी है। उन मूर्खों को बिल्कुल परवाह नहीं है कि उनका रिश्ता प्रकृति के खिलाफ है। हाँ, तो आज से तुम दोनों बन गए हो पति और पत्नी। हुरे! यकीन नहीं होता, हमने शादी कर ली और किसी ने नहीं रोका। भूलो मत टीना, असली इम्तिहान तो अब से शुरू होता है। उन्हें ऐसे देखना बहुत बुरा है। कम से कम वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। और अब गुलदस्ता उछालने का टाइम है। से छीन लो। अब मेरी शादी होगी। जैक, तुम्हें यकीन नहीं होगा। जैक, क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो। ये क्या थर्मामीटर है क्या? और तुम क्या बीमार हो? मूर्ख, ये डिग्री नहीं है, ये तो लाइंस देखो। इसमें ऐसा क्या है? ये प्रेगनेंसी टेस्ट है, हमारा बच्चा होगा। अरे वाह! कितना मजा आएगा टीना! देखो तो बच्चा क्या कर रहा है। अच्छे से रहना बच्चे, पापा तुम्हें निकाल लेंगे। ये प्यारा है, लेकिन बच्चा अभी कुछ भी नहीं सुन सकता, वो भी बहुत छोटा है, उसे कोई अंदाजा नहीं। अच्छा, तो ऐसा कुछ भी होता है क्या? क्या मतलब? ओ, देखो बच्चा बड़ा हो रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या? ये बच्चा नहीं है, ये तो इसे अभी के अभी कहीं पर छोड़ दो, ये शैतान है। पर हम तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, हम वैम्पायर और मर्मेड है ना। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अभी इसे डॉक्टर को दिखाना होगा। मुझे तो यार बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या होगा। डार्लिंग, तुम जानते हो सभी जादूगरनी हमारे साथ रहना नहीं चाहती। हाँ, वो तो है, लेकिन अभी क्या करना है? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। गुड डे प्रेग्नेंट मॉमी। हाँ, वो मैं हूँ, ये। हाँ, एक और नर्वस पापा। ओके, अब जल्दी अंदर आओ। ओके, तो तुम्हें कब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? आज। क्या आज? ये बढ़ता पेट नहीं दिखाई पड़ा? अरे अचानक हमें पता चला कि ये प्रेग्नेंट है और उसके बाद इसका पेट बढ़ता ही चला गया। थोड़ा शांत रहो। पता नहीं क्या होने वाला है। ये लो ब्लड वाला लॉलीपॉप। आओ चेकअप करेंगे। थोड़ा और। ओह, यहाँ तो मछलियाँ हैं। अरे ये फिश टैंक है क्या? ये क्लियर है, ये मेरपायर है। क्या? मेरपायर। दरअसल ये होते हैं मरमेड और वैम्पायर का हाइब्रिड। तेजी से बढ़ने के कारण पेट बड़ा लगता है। तो मेरे को करना क्या चाहिए? सबकी तरह माँ का ख्याल रखें और बच्चे के जन्म का इंतजार करें। अरे नहीं, आधे। अरे बेचारी टीना को ये क्या हो गया? हाँ, मैं कुछ खा नहीं सकती, पर मैं सच में चाहती हूँ कुछ खाना। ये दो ही सैंडविच है, इसको खा लो ना। रेगुलर फूड हमारे बच्चों को नहीं चाहिए, उन्हें कुछ खास चाहिए। ये किस चीज की खुशबू है? ये तो खून है और इसे तो वैम्पायर ही पीते हैं ना। हमारा बच्चा आधा वैम्पायर है। ठीक है, पी लो। ये मैं और लेकर आओ। ठीक है।
ये क्या, ये तो आ गया लड़की है क्या? हाँ, हमारी छोटी बच्ची ईवा। तो इसका मतलब ये जितनी जल्दी पैदा हुई है उतनी जल्दी बढ़ेगी भी क्या? हाँ, डॉक्टर ने कहा वैम्पायर जल्दी बढ़ते हैं। अरे बाप रे, मेरी प्यारी बेटी। ओ, मेरे पास इसके लिए कुछ है, अभी ले। हमारी छोटी बच्ची, ये रहा मेरी प्यारी वैम्पायर बेटी के सोने के लिए झूला। ये खास वैम्पायरों के लिए बना हुआ है। ये क्या बड़ी जल्दी बड़ी हो गई। और सबसे जरूरी बात, स्कूल में कोई गड़बड़ मत करना। हाँ ठीक है माँ। ये तो ईवा तो बहुत बड़ी हो गई। हाय पापा। कैसी हो बेटी, वैसे तुम बहुत जल्दी में बढ़ती हो क्या? हाँ मैं तेजी से बढ़ती हूँ, इसीलिए ईवा पहले ही स्कूल जा रही है। चलो जल्दी करो। ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं। बाय बाय। सोचो वो स्कूल में हमारे साथ पढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, क्या तुमने देखा मिस गवन कितनी गुस्सा है? अरे काफी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये मरपायर भी आ रही है। कैसा नाम है, मरपायर? कितना बेवकूफ नाम है। मुझे तो पसंद आया। नेट। हेलो सबको। हाय। हे, ये वाली डेस्क मेरी है। ये अब मेरी है। मैं तुमसे निपट लूंगी। अरे चुप करो यार। मैं आदि मरमेड हूँ और इसके गाने मुझे परेशान नहीं करते हैं, और मैं ये भी कर सकती हूँ। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? ये सबको बदल सकती है। चलो देखें ये उस पर कैसे काम करेगा। तुमने अभी क्या कहा? मैं वापस ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, मुझे बदलो। बिल्कुल बिल्कुल। ओ भाई, ईवा सच में बहुत कूल है ना? सही कहा भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो मिस ग्वेन। अरे हेलो हेलो, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। माँ ने आपके बारे में बहुत बताया है। वो तो है। नए स्टूडेंट परेशान तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो अच्छी है। तो फिर ठीक है, लेकिन मैं तुम पर नजर रखूंगी। तो चलो लेसन शुरू करें। आखिर ईवा हमारे स्कूल में क्यों आई है? वो हमें बुरा दिखा रही है और उसने लड़कों को अट्रैक्ट किया है। दरअसल मैंने एक औषधि बनाई है। औषधि? हाँ, उस बेवकूफ को मेंढक बनाने के लिए। वाओ, मसों वाला। हाँ। हम देखेंगे कि यहाँ कौन मेंढक बनेगा। प्लीज बताइए क्या सब तैयार है? क्या हमें सच में ईवा को मेंढक बनाना होगा? बिल्कुल, उसे सीखना पड़ेगा। वो इंचार्ज नहीं है बल्कि हम हैं। ये मुझे दो। सही स्मेल आ रही है। अरे नहीं। एलिस, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे साथ खिलवाड़ करने का यही नतीजा है। मैं तुम सबसे ज्यादा कूल हूँ। ईवा, यहाँ क्या हो रहा है? ये तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ देखो, स्कूल में मेंढक लेकर आई। नो मैम, ये अपनी एलिस है। ईवा, तुमने अपनी क्लासमेट को मेंढक बना दिया है। वैसे हम ईवा को मेंढक बनाना चाहते थे, लेकिन एलिस ने गलती से अपने ऊपर ही वो जादुई पानी घेर लिया। क्योंकि ईवा ने उसे डराया। ओ, बहुत हो गया। ईवा, तुम अभी अंडर वाटर डिटेंशन क्लास में जाओगी। क्या? आपने सब सुना, लेकिन उन्होंने पहले शुरू किया था। उन्होंने खुद ऐसा कहा। जब तक तुम यहाँ नहीं आई थी, कोई एक दूसरे के साथ कुछ नहीं करना चाहता था। सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मेरे पेरेंट्स से नफरत है ना? बहुत हुआ, डिटेंशन क्लास में जाओ। तो ये पागलपन है, यहाँ करने को कुछ भी नहीं है यार। मूर्ख टीचर, मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दूंगी, वो खुद निपट लेंगे, या मैं इसे खुद ही संभाल लूंगी। तुम ये कैसे कर सकती हो?
अरे ये कौन है अब? ओह मिल गया मुझे। ओह पानी खत्म हो गया, बढ़िया है। ओह बेहतर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय। हे मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं तो बस शांति से होमवर्क करना चाहता हूँ। टीचर ने मुझे सजा दी और यहाँ डाल दिया। अरे लगता है अब मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम बाहर निकल जाओ। जाओ। क्या हो रहा है, पानी किसने बंद किया? ईवा ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ ये कौन कर रहा है, पानी जल्दी बंद करो। मैं इसका बदला लूंगी। और अब चलो यहाँ से भागो, भागो। वाह, पहले किसी टीचर के साथ मजाक नहीं किया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो क्या कर सकती है इसके अलावा, अब मेरे पास एक जादूगर दोस्त भी तो है। जादू? ये तुम्हें कहाँ पर मिला? तुम पक्का वैम्पायर तो नहीं हो और तुम पक्का मरमेड भी नहीं हो, जादूगर हो। सच कहूँ तो मैं नॉर्मल इंसान हूँ, परिवार में इकलौता जिसके पास पावर नहीं। वाओ, तो फिर तुम एक जादुई स्कूल में क्यों हो? हाँ हाँ मेरी माँ काम करती है। नहीं समझ गई, खैर तुम नॉर्मल हो तो फिर किसे परवाह है, तुम बहादुर और चतुर हो। शुक्रिया ईवा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम जैसे इंसान से कभी नहीं मिला मैं। ओ ठीक है, मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, बाद में मिलते हैं। चलो अब बाय। फिर मिलते हैं। अरे मिसेस ग्वेन। हेलो, हमें खुशी है हमारी बेटी आपके साथ पढ़ाई कर रही है। और हम आपके लिए खास तौर से ये फूल लाए हैं। तुमने क्या सोचा, तुम मुझे फूलों से जीत सकते हो? अब क्या कह रहे हो? तुम्हारी बेटी स्कूल में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है। ईवा मरपायर? वो बहुत बुरी है, सच तो ये है वो प्रकृति की भूल है। हमारी बेटी के लिए ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने पहले दिन क्लासमेट को क्लास में ही एक मेंढक बना दिया और डिटेंशन क्लास से भाग गई और मुझे वहाँ बंद कर दिया। ईवा को एक मौका दो। देखिए मैडम मैं बता रहा हूँ, मरपायर बहुत अच्छे होते हैं। आपकी मरपायर अच्छी नहीं है। पता है क्या, मेरी बेटी की कोई ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकता। इस बात के लिए हम आप पर खास एक्शन लेंगे और हम देखते हैं हमारी बेटी ने क्या किया है। देखो यहाँ पर एक चिंता बड़ा मत करो। अरे माँ और पापा। हे कैसा था स्कूल का पहला दिन? ठीक था, मेरे कुछ क्लासमेट्स ने मुझे परेशान करने की कोशिश की लेकिन मैंने दिखा दिया कि बॉस कौन है। अरे वाह मेरी बेटी। ठीक है सॉरी सॉरी, तो क्या टीचर ग्वेन सही है? वो बहुत बुरी है, मेरे क्लासमेट्स ने गड़बड़ की और उन्होंने मुझे सजा दी। क्या तुम्हें यकीन है तुमने कुछ गड़बड़ नहीं की? नहीं। तो फिर ग्वेन ने हमें स्कूल में बुलाया और फिर डांटा क्यों? हाँ लेकिन मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। हाँ मैं अंडरवाटर क्लास से भागी जरूर थी लेकिन उन्होंने मुझे अलग तरीके से वहाँ रखा था। ईवा मिसेस ग्वेन तुम्हारे बर्ताव से बहुत परेशान है और वो तुम्हें आगे चल के डिटेंशन भी दे देगी मुझे लगता है। और तुम्हारी वजह से अब हमें परेशानी हो रही है। तुम्हें काम क्यों नहीं करती, क्लास में जाओ और जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके आओ। मैं कोशिश करूंगी लेकिन तभी जब वो मुझे पहले परेशान नहीं करेंगी। ईवा, ये तुम्हारी जैसी है। हाँ वो तो है। जैक मैं ठीक करता हूँ इसको। हद है यार, तुमने मुझे औषधि का होमवर्क करने के लिए बुलाया यहाँ? नहीं कुछ और दिलचस्प चल रहा है। आराम से बैठ जा। सुनो हमारे पास ईवा से निपटने का प्लान है। फिर से? अरे वो तभी परेशान करती जब उसे कोई उकसाता है। अब हम क्या करने वाले हैं? सोचो वो स्कूल में हमारे साथ पढ़ेगी। ओ हाँ जरा सोचो वो हमारे साथ क्या कर सकती है। क्या कहूँ, डरावना। अच्छा ये होगा कि तू बैठ और ध्यान से सुन, तुझे पता लड़कियाँ क्या कर सकती हैं। शांत, हमने ईवा से उसकी पावर छीनने का सोचा। ये औषधि की रेसिपी और मंत्र है। ये है ट्राइटन के महल की सीपियाँ। खून का सूप। उर्सुला की माद का सीवीड। सबसे शक्तिशाली वैम्पायर की फोटो। और गॉर्गन वाटर। मरवाए शक्ति चीनो दिन से रात मिला।
क्या हो गया? चेक करना पड़ेगा, इसे बिल्कुल काम करना चाहिए, हम कोई गलती नहीं कर सकते। कम ऑन दोस्तों, क्या हुआ है? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बाद में एंटीडोट दे देंगे। तुम लोग बेवकूफ हो। तो ये कैसा है, क्या पावर्स चली गई? चेक करते हैं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ईवा को पसंद आएगा ये। तुम्हें ये फोटो कैसी लगी? ये बकवास है। वैसे क्या ये एरियल है? वो तुम्हारी पावर छीनने के लिए जड़ी बूटी बना रहे थे। लेकिन अब सच में एरियल मॉन्स्टर की तरह दिखती है। लूजर। हे, क्या तुम आज फ्री हो क्या? हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? क्या हम कैफे जा सकते हैं? कोई बात नहीं, डेट की तरह? ऐसा हो सकता है। क्या? बाद में कॉल करता हूँ। डेट? हाँ माँ, डेट पर। मैं अब 16 साल का हूँ और मुझे लड़कियों के साथ डेट करने का पूरा हक है। हाँ, लेकिन उस सांप के साथ नहीं। ईवा वैम्पायर है और वो अच्छी है, आप उसे अच्छे से नहीं जानते। वो एक बिगड़ैल लड़की है, एक वैम्पायर और मरमेड की बेटी, दो प्रजातियाँ मिक्स नहीं कर सकते। फिर तो क्या, मैं बिना पावर्स के फैमिली में इकलौता हूँ, तो क्या इसमें मेरी ही गलती होगी? ओ नहीं, तुमने गलत समझ लिया। मैं समझता हूँ आपको। इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी करो। इन किताबों में एंटीडोट ढूंढना पार्क में टहलना नहीं है। ऐसे दिखना भी मेरे लिए आसान नहीं है। अरे काम करो ना, इसे खींच कर निकाल लो। ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हें काट लूंगी। ओ, मुझे औषधि मिल गई है। तुम्हें यकीन है ये सही औषधि है? अरे क्या फर्क पड़ता, इससे भी बुरा कुछ होगा क्या? बिल्कुल। शायद हो सकता है। और क्या? मेरे सिर पर ये कैसे कट रहा है? चिल्लाना कैसा, क्या हो रहा है? कौन है ये मेरे सामने? ये एरियल है। इस बार तुमने क्या गड़बड़ की है? असल में हम ईवा से उसकी पावर छीनना चाहते थे। क्या हुआ कि औषधि में गड़बड़ हो गई, इसलिए ऐसी दिख रही है? तुम लकी हो कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं फिर से शायद आप ईवा से पावर छीनने में मदद करेंगी हमारी। फिर वो मुझे और मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जॉब से निकाला जा सकता है। हाँ, मिसेस ग्वेन। बस बहुत हो गया, मेरे बिना ईवा से निपटो। ये टेस्टी है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम नॉर्मल फूड खाओगी। तुम खून नहीं पीती क्या? पी सकती हूँ, मुझे परवाह नहीं है, मैं वैसे भी मरपायर हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ। बढ़िया, तो क्या हम बाहर चले कहीं घूमने, यहाँ बहुत गर्मी है। गर्मी? कोई बात नहीं, ये देखो मैं कुछ हवा बना दूंगी। अरे बस बस, बहुत है, तुम्हारी पूछ तो बहुत मजबूत है। सचमुच मेरी वैम्पायर स्पीड का कमाल, मैं अपनी पूछ से पूरा शहर साफ कर सकती हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारी वैम्पायर की ताकत मरमेड की ताकत को बढ़ाती है, कमाल है। हाँ, मुझे भी ये पसंद है, मैं ये भी कर सकती हूँ। हद है, ईवा यहाँ है और टीचर के बेटे के साथ। क्या हद हो गई, टीचर तो पलट जाएगी। मिल गई, मुझे मिल गई। कौन? कौन? वो जादूगरनी जो ईवा के खिलाफ हमारी मदद करेगी। सचमुच तुम्हें अमेज़न पर जादूगरनी मिली? हाँ हाँ, तो सही है ना, तो ऑर्डर मार दे। हेलो 10 दिन के मेरे शैतान ग्राहकों, मैं तुम लोगों की भला कैसे मदद कर सकती हूँ? बात ये है, हमें उसकी पावर्स को छीनना है। किसकी? वैम्पायर और मरमेड की बेटी। मैं समझ गई। क्या कर रही है? अरे रुक रुक रुक, चला तू आई पला को टाल। और
अबे कहाँ गई है? मेरा फोन भी गायब हो गया। अरे मेरा भी। अबे पैसा भी मार गई मेरा। असल में उसने हमें ठगा, उसने तुम्हें बुलाया था। तो मुझे नहीं पता था कि वो घोटाले बास है। जैक, तुम फिर से खा रहे हो? क्यों, क्या हो गया? जब हमारी बेटी विद्रोह से गुजर रही है, तुम ऐसे बैठकर कैसे खा पी सकते हो? मेरा खून वापस करो। दफा हो जाओ, तुमने मुझ पर गुर्राया। ठीक है, माफ कर दो। और बताओ, ईवा ने कोई गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, मगर कर सकती है, हमें उसके बारे में सोचना होगा। तो फिर ये सोचो कि तुम जब उसकी उम्र की थी तो तुम आखिर करती क्या थी भला, बताओ। मैं स्कूल जाती थी और तुम्हें डेट करती थी। हमारी बेटी को भी एक बॉयफ्रेंड ही चाहिए होगा ना? वो, और वो होगा कौन भला? अच्छा सा, जिसे हम चुने, कोई मरमेड, ये बढ़िया रहेगा। या फिर एक वैम्पायर। चलो फिर देखते हैं कौन अच्छा मिलता है। दोनों में से जो अच्छा होगा उसे दे देंगे। बहुत बढ़िया। मुझे मिल गया। और मुझे भी मिल गया। अबे तुम लोग कौन हो? मैं कहाँ पे हूँ और मुझे क्यों पकड़ा है? चुप, शांत हो जाओ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं हूँ जैक, ये है टीना। हाँ। और हम हैं ईवा के पेरेंट्स। अंकल, हमने कुछ नहीं किया उसे। सच में हमने कुछ नहीं किया, ये सब लड़कियों का काम है। हमें तो ईवा बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। बहुत अच्छा है, तुम में से एक उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। बॉयफ्रेंड? बहुत बढ़िया। वाह यार, मरपायर मेरी गर्लफ्रेंड होगी। बिल्कुल नहीं, मरपायर मेरी गर्लफ्रेंड होगी। अरे शांत हो जाओ, रुक जाओ। देखो, ईवा को खुद तय कर लेने दो कि उसका बॉयफ्रेंड आखिर तुम में से होगा कौन। हाँ, वो जल्दी ही घर आएगी, उसको इम्प्रेस करने के लिए तैयार हो जाओ। आ जाओ मेरी प्यारी बेटी। क्या कोई सरप्राइज है? हाँ बिल्कुल। टायलर, नेट, क्या यही सरप्राइज है? हाँ पापा, और मैंने सोचा आप तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए। इसीलिए तो हमने तुम्हारे क्लास के वैम्पायर और मरमेड को हाजिर किया। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ओह चलो भी बेटा, चलो इनसे बात करो, क्या पता इनमें से कोई तुम्हें पसंद आ जाए। लेकिन पहले अपने पापा की प्रजाति वैम्पायर को ट्राई करना बेटा, ठीक है? जाओ। कोई बात नहीं। हेलो। हाय, ये तुम्हारे लिए। हैंडसम, शुक्रिया। एक बात बताओ, तुमने फूल पत्ती कब ले लिया? जब तेरी फट रही थी। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ लाया है। ये लो एक ब्रेड। एक्चुअली मैंने ये अपने हाथों से बनाई है। वो क्या है कि तुम वैम्पायर और नॉर्मल खाना दोनों खा सकती हो, इसलिए मैंने इसका कॉम्बो बनाया। ये है ब्लड जैम वाली पेस्ट्री। बढ़िया। क्या तुम जा नहीं रहे हो? नहीं, तुम्हें जब से देखा हूँ पागल हो गया हूँ मैं। और आज तुम्हें अपना बनाने का हमारा मौका है। ठीक है, समझ गई। क्या हो गया, नमक ज्यादा हो गया क्या? नहीं। फूलों को सूंघो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे वाह, क्या हो गया तुम्हें? ईवा, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं यहाँ से। ईवा, क्या हो गया, ये लोग ऐसे क्यों भागे यहाँ से? कुछ नहीं, वो मेरे टेस्ट में पास नहीं हुए। ठीक है बेटा, परेशान मत हो, हम और लड़के ढूंढ लेंगे। हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है वैम्पायर। मरमेड? इंसान, डोनी। क्या? वो जादूगरनी ग्वेन का बेटा। डोनी, टीचर का बच्चा, जो भी हो, मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? प्यार करने के लिए उस चुड़ैल का बेटा मिला था, और वो तो हमारी प्रजाति का भी नहीं है। ओह, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हम चलें? हे रुको, हम भी आ रहे हैं। तुम ईवा को परेशान नहीं करना चाहते थे, तुम्हें उस पर क्रश था। हाँ लेकिन अब नहीं है। हाँ चलो चलें। अंदर आ जाओ। क्या हुआ है? मिसेस ग्वेन, हमारे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। हाँ हम जानते हैं, आपके लिए सुनना काफी ज्यादा कठिन होगा,
पर आपको सुनना होगा। और अच्छा है कि आप बैठी हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? आपका बेटा वो इवा को डेट कर रहा है। मुझे पता है। और आप इस बारे में कुछ नहीं करेंगी? तुम्हारा क्या लेना देना है इससे? एक तो इवा ने मुझे पागल कर दिया और अब तुम लोग। मैं अपने बेटे और इवा से खुद ही निपट लूंगी, समझे तुम लोग? माफ कर दीजिए। चलो बे। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? दिलचस्प। इवा किसी नॉर्मल इंसान से प्यार नहीं कर सकती। टेंशन मत लो, मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया। तुमने और क्या कदम उठाए? क्या चल रहा है? देखो, मिसेस गोयन आ गई है, वो हमारी मदद करेगी और डॉनी और इवा को अलग करेगी। मैं क्या बोलती हूँ, हम तुम्हारी बेटी को अटलांटिक ओशियन के बीच में किसी आइलैंड पे भेज देंगे। गोयन, क्या हुआ? जब से उसने मेरी बेटी को डेट करना शुरू किया है वो बेकाबू हो गया है। इवा की क्या गलती इसमें? तो हमें उन्हें अलग करना होगा। अगर किसी को दूर भेजना ही है तो अकेली इवा नहीं जाएगी, डॉनी भी कहीं ना कहीं दूर जाएगा। ठीक है, वैसे भी मैं उससे बहुत प्यार कर चुकी हूँ। तो तुम हमारे बच्चों को अलग करने के लिए एकजुट होने के खिलाफ नहीं हो? बिल्कुल हाँ, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। ओह गॉड, अब हम क्या करने वाले हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इवा डोनी से इम्प्रेस कैसे हो गई। हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल लड़का है। हे, क्या तुम अपसेट हो कि इवा को सजा नहीं मिली या उसने तुम्हें नहीं चुना? दोनों बात से मेरा दिमाग खराब है। लगता है हमारे पास हाइब्रिड के खिलाफ कुछ नहीं है, यहाँ तक कि टीचर भी उसके बारे में कुछ नहीं करती। शायद मुझे पता है कि आगे क्या करना है। डोनी, लंच का टाइम हो गया है। डोनी, कहीं वो फिर से उस मॉन्स्टर से मिलने तो नहीं चला गया? हेलो मिसेस ग्वेन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डोनी से मिलने आई हूँ। हमें मिलना था लेकिन उसने 2 घंटे में मेरे ना ही कोई मैसेज ना ही कॉल का जवाब दिया। दिखावा मत करो कि तुम नहीं जानती कि मेरा बेटा कहाँ है। बताओ तुमने कहाँ छुपाया है उसे? क्या आप पागल हो? मैंने कुछ नहीं किया। अब बहुत हो गया है, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पे बुला रही हूँ। आपने बुलाया? टीना कहाँ है? एक मिनट। मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ? तुम्हारी सांप ने मेरी बेटी को चुरा लिया और उसे छुपा दिया है। क्या? देखो मुझे यकीन है इवा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ। झूठ मत बोलो, हमने तुम्हें उनसे मिलने के लिए मना किया था। क्यों? क्योंकि रूल्स के खिलाफ है। लेकिन आप दोनों ने भी रूल्स के खिलाफ शादी की, आपको भी साथ आने से मना किया था। ये अलग है। ओह, ये अलग है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन मुझे प्यार हो गया तो मैं गलत हूँ? तुम डोनी से दूर रहो, तुम उसे बर्बाद कर दोगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपका बेटा कोई दूध का गुलाम है? क्या वो पागल हो गए? गाइस, मुझे पता है डोनी कहाँ है। मुझे पता है कि डोनी कहाँ पर है। मुझे किडनैप क्यों किया? क्या चाहिए? चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं तुम्हारी माँ ये सोचे कि तुम्हें किडनैप इवा ने किया है और फिर तुम्हें बचाने का नाटक हम लोग करेंगे। लेकिन मैं तो सब कुछ बता दूंगा उन्हें। नहीं, हमने भूलने की दवा बना ली है। तुम लोग से ठीक से जड़ी बूटी तो बनी नहीं तो तुम क्या काम करोगे? टाइलर, डोनी की बात तो सही है यार। हाँ, और हम ग्वेन और इवा के साथ परेशान में पड़ जाएंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मजाक? अरे कॉमन सेंस की बात है ये। चलो चले। नहीं, पीछे हटने में देर हो चुकी है। तुम सब मुसीबत में हो। अरे खड़ा क्या है, भाग यहाँ से। इवा, तुमने हमें कैसे ढूंढा? देखो, मैसेज भेजा था और तुम मुझसे फोन छीनना भूल भी गए। हद है, ये नेट को लेना चाहिए था। क्या बकवास है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड का किडनैप क्यों किया? हम तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन हमने अपना मन बदल लिया, तुम डोनी को ले जा सकती हो। मैं उसे ले जाऊंगी, लेकिन मैं पहले तुमसे निपटूंगी। आ!
तुम इस तरह गा भी सकती हो? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था कि ये बेहोश हो जाएंगे। ठीक है चलो यहाँ से निकले। तुम्हें अपनी माँ को बताना चाहिए कि तुम ठीक हो और मैंने तुम्हें नहीं छिपाया। क्या फर्क पड़ेगा, वो साथ नहीं रहने देंगे हमें। तुम सही हो। मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं समझ आए, वो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन पता नहीं हमारे रिश्ते के खिलाफ क्यों हैं। शायद हमें कहीं दूर भाग जाना चाहिए। वो हमें वहाँ भी ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स और मेरी माँ कहती है कि इंसान और जादूगर डेट नहीं कर सकते, है ना? हाँ। तो फिर मुझे भी जादू इंसान बनना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम आधी वैम्पायर हो ना, तुम मुझे काट कर वैम्पायर में बदल सकती हो। लेकिन वैम्पायर होना उतना अच्छा नहीं है जितना लगता है, क्या तुम्हें यकीन है? ईवा, आई लव यू और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करूँगा। आई लव यू टू। क्या ये सब तुम्हारी वजह से? अब अपने बेटे को कहाँ ढूंढूं, वो कहीं नहीं मिला। ईवा भी गायब है, ये सब तुम्हारी डोनी की वजह से है। मेरा डोनी अच्छा बच्चा है। मेरी बेटी भी। शांत हो जाओ, झगड़ा करने से वो नहीं मिलेंगे, हमें उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। क्या, हमने हर जगह ढूंढ लिया है। हम यहाँ है। हमारी बेटी, कैसी हो ईवा, ठीक तो हो ना? तुम कुछ अजीब लग रहे हो, क्या हुआ है? हाँ, और ये तो वैम्पायर लग रहा है मुझे। क्योंकि अब मैं भी आपकी तरह बन गया हूँ मिस्टर जैक। तुम वैम्पायर? हाँ। गुएन। हाँ, तो इसका मतलब ईवा के तुमने डॉनी को काट लिया? हाँ। इसने इसे काटा? ईवा, हम वैम्पायर्स को इंसानों को काटने की इजाजत नहीं, तुम जेल में जाओगी। और मेरा छोटा बच्चा अब हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसे पहले मत करो, मैंने उससे कहा था। क्यों? क्योंकि आप हमें साथ नहीं रहने दोगे। हम दोनों प्यार करते हैं और एक साथ रहने के लिए किया। अरे बाप रे, कितना बुरा है, कितना भयानक है। काश मुझे पता होता कि तुम ऐसा कुछ कर लोगे अपने साथ। तो आपने क्या किया होता, क्या आप हमें डेट करने देते? हाँ वैम्पायर बच्चा होने से तो बेहतर है। हाँ, तुमने सही कहा। बढ़िया, यही तो हम सुनना चाहते थे। क्या, तो फिर वो जो तेरे दांत थे वो असली नहीं थे क्या? नहीं, हम आपको दिखाना चाहते थे कि अगर आपने हमें साथ रहने से मना किया तो क्या होगा। क्या आप हम दोनों को एक साथ रहने देंगे मिस्टर जैक? हाँ। लेकिन ऐसे प्रैंक्स के लिए मैं तुम दोनों को सजा दूंगी। हम इस मामले में सपोर्ट करेंगे। अरे यार, मैं फिर इस क्लास में हूँ। अच्छी बात है कि हम दोनों साथ हैं। सुनो, यहाँ सचमुच हम दोनों ही हैं। इसे वाटर पूल डेट मान लो। हाँ। अब मेरा नया दोस्त है जादूगर। जादूगर? क्यों, तुम्हारा मतलब इस चीज से था? तुम तो इसे संभाल भी नहीं पाई। हाँ, तुमने सही कहा। अबे क्या चिंदी चोर रिंग दी है? हमें कब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? आज ही? क्या आज? कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं यार, हो जाता है, सबसे होता है। माँ की देखभाल करना और बच्चे का इंतजार करना। किसकी माँ का? ओके कर दीजिए। हमने तो तुम्हें हूतिया बनाया मिस्टर जैक। क्या? देखो टीना, मुझे ऐसे मत देखो, जब तुम ऐसे देखती हो तो लाइन भूल जाता हूँ यार मैं, और क्या बोलूँ मैं। कोई बात नहीं भाई, एक और टेक ले ले। बूम बूम शक्ल का बूम बूम।